उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के बाबागंज मल्हीपुर मार्ग सिसैया पर रविवार को सीमांचल पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एसके मदेसिया की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में एसके मदेसिया ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है और पत्रकारों को सदैव राष्ट्र समाज के हित में कार्य करना चाहिए। क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुँचानी चाहिए। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में 2021 का पंचायत चुनाव आने वाला है। बॉर्डर क्षेत्र में काफी पात्र लोग हैं जिन्हें अभी तक सरकार द्वारा कोई लाभ नहीं मिला है। वहीं सभी पत्रकारों को निर्देशक किया गया है कि गरीबों की समस्या सुने और सरकार तक पहुंचाए। वहीं विगत कई वर्षों से संगठन के माध्यम से कार्य कर रहे सीमांचल पत्रकार एसोसिएशन की नवाबगंज में हुई इस बैठक में रुद्र प्रताप मिश्रा प्रदेश कोषा अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में हमेशा एकता होनी चाहिए और एकता का नाम ही संगठन है, इसलिए हमें संगठन पर हमेशा एक रहना चाहिए। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं बैठक में जमील अहमद, जुनैद अहमद अंसारी, रावेंद्र शर्मा, भुवन भास्कर वर्मा, धीरेन्द्र शर्मा, मोहम्मद अकील, इसरार अहमद, श्याम जी, कमालुद्दीन मलिक, मनीष चंद आर्य सहित पत्रकारों ने अपने विचार रखे। अध्यक्ष जी, आज संगठन की यहां पर मीटिंग हुई है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस आज की बैठक का उद्देश्य हमने इसलिए बनाया था गाँव में कि गाँव में अभी त्रिस्तरीय जो है पंचायत चुनाव होने जा रही है। पंचायत चुनाव के मद्देनज़र गांव की विशेषकर समस्याएं क्या हैं और पत्रकारों का क्या कर्तव्य है, इस पर हमने प्रकाश डाला और अपने पत्रकार साथियों को मैंने एक निर्देश दिया कि हर गांव में जाकर के ग्रामीणों की समस्याओं को आप जो प्राथमिकता से प्रकाशित करें और उसी के प्रकाशन से ही जो है यह होने वाला चुनाव पर असर डालेगा। यह क्योंकि बहुत से सरकारी सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा। हम पत्रकार साथियों का कर्तव्य है कि उसको उनके अधिकारों को प्रदान करने के लिए हमारा जो है कर्तव्य बनता है कि उनको हम जागरूकता पैदा करें और उनके अधिकार को उन तक पहुंचावें। इसलिए आज की बैठक की गई, साथ में हमारे पत्रकार भाइयों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया किन किन बिंदुओं पर जो है कार्य आज किया जाए चुनाव के मद्देनजर। धन्यवाद। अखंड भारत न्यूज के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट, बहराइच।